हे गाइस, माय नेम इज़ कुमार सानू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिगनर्स के लिए। तो अगर आप शेडिंग करना सीख रहे हो या फिर सीखना चाहते हो तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को पूरा देखो भाई। इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि भाई, मेरे को बहुत सारे मैसेज आए थे कि हमें ड्राइंग आती है बट स्टार्ट कहाँ से करना है। मैं नाम नहीं बताऊंगा बट कुछ मैसेजेस में था कि उन्हें ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा आता है बट वही बात है कि मतलब उन्हें शेड करना नहीं आता। तो उन्होंने मैसेज किया था कि भाई आप बता दो कि आप शेड कैसे करते हो, तो चलिए ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पर कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, कितना शेड देना है, कितना नहीं देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2B या HB की पेंसिल से फर्स्ट लेयर देकर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद जो दोनों लाइनें हैं, जो एंगल बना रही है एप्पल पे, उसके बीच में एक लाइन देनी है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और उसके नीचे डार्क शेड देने हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, पहले मैंने एक लाइन ली, उसके नीचे फिर डार्क शेड दिया। तो बिल्कुल आपको इसी तरह डार्क शेड देने हैं। पहले आपको भी बिल्कुल इसी तरह लाइटर से बिल्कुल डालकर पेंसिल की तरफ जाना है। तो पहले मैंने 2B की पेंसिल यूज़ की थी, अब मैं 3B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं 4B की पेंसिल यूज़ करूँगा उसके नीचे लेयर देने के लिए, मतलब फोर्थ लेयर के लिए। तो और उसको अच्छे से फिर मिक्सअप कर देना, मतलब ब्लेंड कर देना। सबसे लास्ट लेयर, जो सबसे डार्क का पेंसिल आपके पास है, उसे यूज़ करना सबसे लास्ट लेयर के लिए। तो इससे ये होगा कि आपकी जो ड्राइंग है वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी। मेरे पे सबसे डार्क पेंसिल है 6B की, तो मैं सबसे लास्ट में 6B की पेंसिल यूज़ करूँगा लास्ट लेयर के लिए, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगा उसके बाद, ताकि मेरी जो मैंने आर्ट बनाया है वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। हाइपर रियलिस्टिक तो नहीं कह सकते बट रियलिस्टिक तो लग रही है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये ड्राइंग रियलिस्टिक लग रही है या नहीं लग रही है। आपको बिल्कुल इसकी तरह करना है, जहाँ पे ज़्यादा शेडो है वहाँ पे बिल्कुल डार्क कर देना, जहाँ पे शेडो नहीं है वहाँ पे आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत शेड कर दो ताकि रियलिस्टिक लगे, या फिर इरेज़ कर दो वहाँ पे। अगर आपने शेड कर दिया है तो आप इरेज़र की मदद से ये इरेज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी वैसे भी वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 12th के, और फिर मैं अभी पेड स्केच पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो पेड स्केच की मैं वीडियो नहीं डाल सकता। तो आपको बस थोड़ा सा गुजारा करना पड़ेगा इन्हीं सब वीडियोज़ में। पेड स्केचेस की मैं फोटोज़ इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो इसके बाद लाइटर एरिया को आपको इरेज़ करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पे नीडेड इरेजर यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे इरेज़ करेगा। अगर आपके पास नीडेड इरेजर नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ईज़िली इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नीडेड इरेजर यूज़ कर रहा हूँ ये, क्योंकि बहुत अच्छे से इरेज़ करता है और यहाँ पे इससे बहुत अच्छा शेड भी मिलता है, इसलिए मैं ये इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एप्पल का शेडो बनाने के लिए पहले मेज़र कर लेना है कि आपको कितने दूर में शेडो बनाना है उसका, उस हिसाब से आप उतने दूर के एरिया को शेड करें। उसके बाद आपको क्रॉस चेक करना है कि मैंने जितना एरिया कवर किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर उसको इरेज कर दो। या यहाँ पर ये एक और चीज़ देखना है कि ज़्यादा मैंने फ्लैटेड तो नहीं बना दिया ना इसे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप उसे अच्छे से इरेज वरेज करके और बीच में बिल्कुल डार्क शेड दे दो, जिससे वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।